नमस्कार साथियों, मैं पंकज सिंह आपका इस चैनल इसल विद पंकज पर एक बार फिर से स्वागत करता हूँ। मित्रों, आज बहुत दिनों बाद, लगभग 2 साल बाद, इंग्लिश के एक छोटे से नए से चैप्टर के साथ। चूँकि हमारा जो चैनल था वो इंग्लिश को लेकर ही प्रारंभ हुआ था, कि मैं थोड़ी बहुत जो मुझे माँ सरस्वती ने ज्ञान दिया है इंग्लिश सिखाऊंगा, लेकिन वो बनते बनते जीके का चैनल बन गया। फिलहाल आप इस चैनल पर कुछ प्रेमी ऐसे हैं जो चाहते हैं कि मैं फिर से इंग्लिश पढ़ाऊं, तो ये माहौल जो विश्वव्यापी एक भय का माहौल है, कोरोना ने जो मुझे दिया है थोड़ा बहुत समय, मैं अपने साथियों, मित्रों, भाइयों, बंधुओं, बहनों सबको देना चाहता हूं। तो आज एक छोटे से चैप्टर के साथ मैं हाजिर हुआ हूं जो हमारे व्यक्तित्व को पूरे बहुत बड़ा करता है। नाम तो है नाक, छोटा सा चैप्टर है, लेकिन ये नाक इज्जत, ये हमारी मान, ये हमारी मर्यादा, ये सबको बढ़ाता है। चले मित्रों, चूंकि देखिए अभी तक जो मैंने थोड़ा बहुत पढ़ाया था वो कॉमन इंग्लिश थी, बिल्कुल उनके लिए जो इनिशिएटिव्स थे, माने जिन्होंने बिल्कुल इनिशिएटिव लिया था, जो बिल्कुल एकदम प्रारंभिक दौर में थे, जिन्होंने शुरुआत किया था, टेंस भी नहीं पता था, बिल्कुल बेसिक भी जानकारी नहीं थी, उनके लिए वो था। आज का क्लास मैं उसको नाम दूंगा एडवांस्ड इंग्लिश, ऐसा कुछ होता होता नहीं है, लेकिन हाँ उनके लिए है जिनको थोड़ी बहुत इंग्लिश आती है, जो थोड़ा बहुत बोलना जानते हैं, जिनको टेंस वगैरह आते हैं, जिनको ट्रांसलेशंस बनाने आते हैं, तो उनके लिए थोड़ी सी हमारी एडवांस इंग्लिश। दोनों चलेगा मित्रों, एक तरफ कॉमन इंग्लिश ऐसे लोगों के लिए जिनकी बेसिस बहुत कमज़ोर है, और एक होगा एडवांस इंग्लिश जो बोलते हैं लेकिन और अच्छा बोलना चाहते हैं। चलिए तो आज कुछ शब्दों के साथ हाजिर होते हैं। नोज रिलेटेड वर्ड्स एंड सेंटेंसेस, नाक से संबंधित शब्द और वाक्य। नाक पर गुस्सा होना, मित्रों हम लोग आम बोलचाल में बहुत सुनते हैं इसको, नाक पर उसके गुस्सा रहता है, जब देखो वो हमेशा ताव में आ जाता है, उसके नाक पर माने यहां पर यानी फेस के प्रारंभ में ही गुस्सा रहता है, माने कुछ भी बात करेगा वो गुस्से में बात करेगा। तो ऐसे लोगों को हम लोग ज्यादातर, मेरे ख्याल से आप शायद परिचित होंगे, शार्ट टेम्पर्ड मैन, शार्ट टेम्पर्ड मैन वोमेन जो भी कहिए, शार्ट माने छोटी छोटी बातों पर, टेम्पर माने आवेश में आ जाना, यानी छोटी बातों पर आवेश में आ जाना शार्ट टेम्पर्ड मैन या वोमेन या पर्सन जो भी कहिए। तो नाक पर जिसके गुस्सा हो, बात बात पर गुस्सा, शार्ट टेम्पर्ड। नाक से सांस लेना, मित्रों ये सबको पता है, ब्रीथ ब्रीथ थ्रू द नोज। थ्रू क्यों लगा, जो थोड़ा बहुत इंग्लिश जानता है उसको पता होगा, थ्रू माने के आर पार से हो करके, चूंकि नाक से हम सांस ले रहे हैं तो अंदर जा रहा है नोस्ट्रिल से होते हुए, फिर अंदर से फिर बाहर, बाहर से अंदर, यानी कहीं से होकर के जा रहा है और अलग अलग छिद्रों से होकर गुजर रहा है, इसलिए हम लोग थ्रू लगाते हैं, है ना। वी ब्रीद थ्रू आवर नोजेस, हम लोग अपनी नाक से, थ्रू आवर नोस्ट्रिल्स, अपने नथुनों से हम लोग सांस लेते हैं, तो ब्रीद थ्रू द नोज, ठीक है। नाक बहना, मित्रों सही बताऊं तो इसकी मीनिंग आज तक क्लियर नहीं हुआ, स्पेशली रनिंग का यूज़ होता है, रनी नोज, मैं रो नोज इज रनिंग, समझ में नहीं आता कि इसका मतलब सही हो रहा है कि नहीं हो रहा है, लेकिन हम लोग ज़्यादातर पाते हैं आम भाषा में, आम बोलचाल में, तो हम लोग क्या बोलते हैं, या तो रनी नोज, बहती हुई नाक, या नोज इज रनिंग, है ना, हमारी नाक भाग रही है। अब अंदर के मटेरियल को तो कुछ और बोलते हैं, लेकिन फिर भी यहाँ पर नोज इज रनिंग या नोज रन्स अक्सर हम लोग स्टोरीज में देखते हैं, ठीक है। नाक पिचकी हुई नाक माने ये फ्लैट है बिल्कुल, कई लोगों का होता है ना, अलग अलग वैराइटीज़ के व्यक्तित्व होते हैं हमारे, जैसे नॉर्डिक हो गए या द्रविड़ियन हो गए, तो अलग अलग टाइप की जो प्रजातियां रहे, स्पेसीज रहे हमारे इस संसार में, तो किसी की नाक चपटी होती है, किसी की मोटी होती है, तो यहाँ पर हम लोग चिढ़ाते हैं फ्लैटेंड नोज माने बिल्कुल फ्लैट हो गया, फ्लैटेंड नोज। नाक सनकना, इसको सभी लोग जानते हैं, ब्लो द नोज, ठीक है, जस्ट गो एंड ब्लो योर नोज, ओके, बिकॉज सम मटेरियल्स आर देयर, कुछ मटेरियल्स है उनको ब्लो करो, जल्दी से सिनिक दो, छिनिक दो, सिनिक दो, तद्भव तत्सम का सारा इस्तेमाल है,
ब्लो द नोज जनरली एक आम भाषा में, नाक रगड़ना माने गिड़गिड़ाना, किसी के सामने नाक रगड़ना, ये मेरी मिन्नत मान लो, ये मेरी प्रार्थना मान लो, रिक्वेस्ट मान लो। नाक रगड़ना क्या होगा, बिसीच, आई थिंक स्पेलिंग मेरा सही होगा तो सही होगा, बिसीच वेरी हम्बली, हम्बली, ओके, हम्बली माने विनम्रतापूर्वक, बिसीच माने गिड़गिड़ाना, बड़ी नम्रतापूर्वक गिड़गिड़ाना, विनम्रतापूर्वक कि भाई ये मैं नाक रगड़ के मैं आपसे बोल रहा हूँ, ये मेरा हेल्प करो, नहीं तो मैं बर्बाद हो जाऊँगा, आई विल बी रियूंड टोटली। नाक काटना, नाक कटना, नाक कटवाना, मित्रों ये कॉजिटिव वर्ब भी है, चूँकि कॉजिटिव वर्ब शायद आप लोगों में से कई लोगों को आता हो ना आता हो, तो चलिए नाक काटना को तो हम लोग एक बार पढ़ चुके एक वीडियो में। टार्निश, टार्निश द फेयर नेम, ओके, टार्निश द फेयर नेम माने टार्निक माने कालिख लगाना, अलकतरा लगाना, करिखा लगाना, इसको बोलते हैं हम लोग। फेयर नेम माने अच्छे नाम पर बिल्कुल कारिख पोत देना, ठीक है, तो टार्निश द फेयर नेम, या ना कट जाना, तो अब यहां पर बोल देंगे हम लोग नेम इज टार्निश्ड, ठीक है, नेम इज टार्निश्ड, नेम इज टार्निश माने मेरा नाम तो बिल्कुल एकदम कालिख पुत गया, उस पर बिल्कुल कट गया, नाम कट गया, नाक मेरी कट गई, मेरी इज्जत पर बिल्कुल कीचड़ उछल गया, है ना, नाक कट गए, तो माय नेम इज टार्निश, द टार्निश द फेयर नेम, जैसे आई विल टार्निश योर फेयर नेम, मैं तुम्हारा नाम नाक काट के रहूंगा पूरे समाज में, ठीक है, टार्निश द फेयर नेम, काटना कटना नेम इज टार्निश, और कटवाना तो क्या हो जाएगा, गेट द फेयर नेम, गेट द फेयर नेम टार्निश्ड, जिसको साथियों जिसको पता होगा पॉजिटिव वर्ब का प्रयोग, गेट के बाद थर्ड फॉर्म कटवाना, जहां पर वाना भाव है, हम लोग आएंगे एक पूरे चैप्टर के साथ, हंसना हंसाना हंसवाना, रोना रुलाना रुलवाना, खाना खिलाना खिलवाना, उसी प्रकार से नाक कटवा, तुमने तो मेरी नाक कटवा दी, यू हैव गॉट माई नोज टर्निस्ड, यू हैव गॉट माई फेयर नेम टर्निस्ड, मेरे अच्छे नाम पर तुमने तो करिका पतवा दिया काली, ठीक है। अब इसका सिस्टम क्या होगा देखेंगे हम लोग, नाक चढ़ाना, बिल्कुल त्योरियां चढ़ाना, क्रोध में होना, गुस्से में हो जाना, नाक चढ़ाना क्या होगा, टू फ्राउन, टू फ्राउन, है ना, टू मतलब हो गया मित्रों, जिसको कि आप जब सेंटेंस में आप लगाते हैं तो उसको टू हटा के फिर इसको वर्ब के हिसाब से, टेंस के हिसाब से आप बदलिए, फ्राउन 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 फ्राउनिंग जो भी है, टू फ्राउन, ओके। नाकों चने चबवाना माने बहुत कठिन परिश्रम करवाना, ओके, तो क्या होगा, टू हैरस, टू हैरस, नाकों चने चबवाना, बहुत ही विपत्ति में डालना, बहुत तकलीफ देना, बहुत कष्ट देना, नाकों चने चबवाना, टू हैरस, यहाँ पर भी है ना, टू पेस्टर लिख सकते हैं, तो पेस्टर माने बहुत कष्ट देना, परेशान करना, नाक पर गुस्सा होना, मित्रों माने हमने यहाँ पर शायद लिख दिया है नाक पर गुस्सा होना, जी हाँ, यानी शॉर्ट टेम्पर्ड माने इसका तो हो चुका है, नाक पर मक्खी न बैठने देना माने बिल्कुल घमंड, अरे वो तो अपने नाक पर तो मक्खी भी नहीं बैठने देता, इतना घमंड है उसको अपने नाक पर कि अगर मक्खी ने कहीं बीट कर दिया तो उसके नाक की इज्जत चली जाएगी, इसलिए मक्खी नहीं बैठने देना, तो क्या हो जाएगा, टू बी कंसीटेड, कंसीटेड, ओके, मेरे ख्याल से उच्चारण यही सही है, ओके, कंसीटेड माने घमंड में चूर होना, टू बी माने ही इज ए मार वाज वेयर, टू बी का फॉर्म, जैसे मान लो ही इज ए वेरी कंसीटेड मैन, ओके, बहुत ही अजीब आदमी, इतना अहंकारी है, एरोगेंट दूसरी चीज होगी बड़ी बड़ी चीजों में, और ये छोटी छोटी बातों में भी घमंड करने वाला, ये कंसीटेड, अरे भाई वो तो नाक पर अपने मक्खी भी नहीं बैठने देता है, ही डजंट लेट अलाउ, ओके, वो बिल्कुल अलाउ नहीं करता कुछ भी करने के लिए, नाक बहुत चढ़ाना। अब यहां पर जी हाँ, यहां पर भी अगर आप करते हैं तो फ्राउन, टू पेस्टर, ओके, तो पेस्टर तो परेशान करने का मतलब होगा, यहाँ पर नाक भौं चढ़ाना माने बहुत ही गुस्से में, वही नाक चढ़ाना, नाक भौं चढ़ाना, टू फ्राउन माने क्रोध में आना, गुस्से में आना, शायद दो दो बार मैंने लिख दिया है, नाक में दम करना, ये हो गया टू पेस्टर,
जी हाँ, नाक में दम करना और ये नाक चढ़ाना माने लगभग सेम सेम जा रहा है वही, कि क्रोध करना, बहुत त्योरियां चढ़ाना, बहुत गुस्से में करना ना, तो नाक में दम करना। यहाँ पर दूसरी चीज आ रही है तो पेस्टर माने एकदम बिल्कुल कष्ट में देना, परेशान करना। ठीक है, नाक भौं चढ़ाना, नाक चढ़ाना लगभग एक ही हो गया। नाक रखना माने, नाक माने यहाँ पर क्या हो रहा है मित्रों, इज्जत। तो यहाँ क्या होगा, टू मेंटेन द डिग्निटी या ऑनर। डिग्निटी और ऑनर माने सम्मान को, इज्जत को बरकरार रखना। नाक रख दिया तुमने तो यार, आज मेरी नाक रख दी, चार लोगों के सामने मुझे तुमने इतना सम्मान दिया, मान सम्मान दिया कि तुमने मेरी इज्जत रख ली, मेरी नाक रख ली। भाई मेन मौके पर तुमने मेरी मदद किया। ठीक है, नाक फटना माने बदबू मारना, ऑडरस, फील नासिया है ना, ओडियस। अब हम बोलते हैं कि नाक फटना, स्प्लिट, अगर इसको देखिए, स्प्लिट अप बाई फाउल स्मेल। मित्रों ध्यान देना, फाउल स्मेल माने बदबू, तो बदबू से स्प्लिट माने फटना, बिल्कुल इतना घिनारा, इतना ज्यादा स्टिंकिंग हो रही है। हम लोग फूड के लिए इस्तेमाल करते हैं, फूड इज स्टिंकिंग, महक रहा है, उससे भी ज्यादा। चूंकि खाना है कितना भी अच्छा होगा, ये कहीं बदबू है, कहीं कूड़ा है, कहीं नाला है, तो स्प्लिट अप बाय फाउल स्मेल है ना। इसमें हम लोग लगा लेते हैं ऑडियस, ऑडियस है ना, एवरेंस या एवरिंग माने बहुत ही घिनौना लग रहा है, बहुत ही घिनौना। स्प्लिट अप बाय फाउल स्मेल, ऑडियस घिनौना है, एवरिंग घिनौना है। ठीक है, नाक फटना। अब यहां पर कैसे आप वाक्य बनाएंगे, आई फील ऑडियस, बहुत घिन आ रही है, आई फील एवरिंग। ओके, आई एम फीलिंग, आई फील में अंतर होता है मित्रों। फिर भी आप थोड़ा बहुत पहले इस्तेमाल करिए, पहले इस वर्ड मीनिंग को ग्रैप करिए है ना, हिंग्लिश और इंग्लिश बोलते हुए करिए, उसके बाद देखिएगा, जब तक अंटिल यू यूज इन योर डेली सेंटेंसेस यू कॉन्ट बी सच अ कॉन्फिडेंट। नो, बिल्कुल नहीं हो सकते हैं। कितना भी आप विद्वान हो जाए, आपके पास वोकैब का भंडार हो जाए, लेकिन आप एक अच्छे स्पीकर नहीं बन सकते हैं जब तक आप उसको इस्तेमाल नहीं करते हैं। ओके, स्प्लिट अप बाय फाउल स्मेल, ऑडियस एवरिंग, ऑडियम, ऑडियम, ऑडियम माने घिन होता है, ऑडियस माने घिनौना। ओके, नाक का बाल है ना, अरे भाई मेरा बेटा तो मेरे नाक का बाल है, माने एक बहुत ही सबसे फेवरेट है वो, फेवरेट है वो। तो नाक का बाल माने एक इज्जत का सवाल, सबसे प्यारा, सबसे प्रिय, सबसे मेरा लोकप्रिय, कहने का मतलब फेवरेट है वो, नाक का बाल है मैंने। ठीक है, नाक जाम होना। अब यहां पर हम लोग लगा सकते हैं ब्लॉक्ड। जी हाँ, माई नोज इज ब्लॉक्ड, टोटली ब्लॉक्ड हो गया है। ओके, इसका इस्तेमाल एक कॉमन लैंग्वेज में होता है, सब लोग करते भी होंगे। नथुना मित्रों, नथुना माने नॉस्ट्रिल्स, हो सकता हो लेटर्स थोड़े छोटे हों लेकिन मेरे शब्दों पर गौर करिएगा। नॉस्ट्रिल्स माने आपकी ये जो दोनों है, दोनों छेद है, नॉस्ट्रिल्स, नथुने फड़कने लगे, कहते ना फ्लेयर्ड अप, बिल्कुल वो कहते हैं कि एकदम गुस्से में हो गया, नथुने फड़कने लगे उसके, है ना। तो यहाँ पर नथुने, नॉस्ट्रिल्स, हम लोग घोड़े के लिए खूब इसका इस्तेमाल करते हैं, घोड़े के दोनों नथुने फूलने पिचकने लगे। ठीक है, और खर्राटा सबको पता है, स्नॉर्ट, स्नॉर्ट माने खर्राटा, जोर जोर से खर्राटे जो लेते हैं। ही स्नॉटिंग सच एन इरिटेटिंग, उसका स्नॉटिंग खर्राटा इतना इरिटेटिंग है, यू कॉन्ट इवन अ नैप, एक झपकी भी नहीं ले सकते हो आप। तो स्नॉट माने खर्राटा। देखिए सब कुछ नाक से संबंधित है। अभी वैसे देखा जाए तो मीडियम लेवल का वर्ड दिया हूँ, हाई लेवल का भी कुछ बाकी है, कई चीज़ें बाकी है, लेकिन फिर भी इतना पर्याप्त है ना। हमको प्रोफेसर बनने के लिए नहीं है, ना तो मैं प्रोफेसर हूँ ना तो आप बनने का प्रयास करिए। हम केवल एक कॉमन इंग्लिश सीख रहे हैं, जिससे थोड़ी बहुत नॉर्मल इंग्लिश, अच्छी इंग्लिश बोल के इम्प्रेस कर सके। मैंने पहले क्लास में बताया था मित्रों, इंग्लिश सीखने का मेन पर्पज होता है कोई नौकरी नहीं, कोई जितने भी आप सब बताते हैं सब वो एक हिसाब से यूजलेस है, केवल एक शब्द है क्या, इम्प्रेस करना। इंग्लिश सीखने का मतलब इम्प्रेस करना, और दूसरा चीज अगर कोई है उसका मतलब तो एक है, नज़रों से नज़र मिला के बात करना। तो थोड़ा बहुत इतना मुझे आ जाए बस, हम लोग
जो इंग्लिश मीडियम से पढ़े हुए हैं बचपन से, उनकी बराबरी आप कभी नहीं कर सकते। राजा राम मोहन राय सब नहीं हो सकते। 5 घंटे पायनियर न्यूज़पेपर पढ़ते हैं और कई साल पढ़ते हैं, तब जाके वो इतनी कमांड करते हैं कि इंग्लिश, अंग्रेज भी उनसे डरते थे। तो ऐसा बनना नहीं, हमको एक अच्छा स्पीकर बन जाना है केवल, ठीक है। अब देखते हैं, अब यहाँ पर बूगर्स मित्रों, स्नॉट, ब्रीज, साइनस, म्यूकस, चले यहीं पर चर्चा कर लेते हैं। बूगर्स माने, बूगर्स माने आपके जो नाक के अंदर, देखिए घिन मत करिएगा, ओके, नाक के अंदर जो आपका सूखी मटेरियल होती है, माने इसको हम लोग अगर एक ग्रामीण भाषा में बोले तो उसको नकटी बोलते हैं, नकटी। तो जो आप लोग कहते हैं ना कि डोंट टेक आउट, है ना, डोंट टेक बूगर्स आउट, टट्टी मत निकाला यार, आई एम फीलिंग जस्ट नासिया, वेरी वेरी, मतलब इतना गंदा लग रहा है। तो बूगर्स माने हो गया नाक के सूखे मटेरियल्स, जो बिल्कुल सूख चुके नकटी। स्नॉट माने होता है जो निकल रहा है धार के रूप में, आपको जब जुकाम है, जब आपको फ्लू है, तो जो अंदर का काफ़ी लिक्विड मटेरियल होता है, एकदम एक सूखा तो एकदम एक लिक्विड है, जो सुन सुन आप करते हैं, ओके। चलिए मैं ट्रांसलेशन दे रहा हूँ, आप लोग उसका जवाब दीजिएगा। वह सुन सुन करके सिनक रहा था, ठीक है, वह सुन सुन करके सिनक रहा था, छोटी सी ट्रांसलेशन है, मिल जाएगा आपको कहीं भी, या थोड़ा खोजेंगे तो आप हो सकता है अपने से उसको एक्सप्लेन कर सकें, लिखिएगा जरूर कमेंट में। स्नॉट मीन्स बिल्कुल लिक्विड पार्ट, ओके। ब्रिज मित्रों, ये जो होता है इसको ब्रिज बोलते हैं, ये ओवर ब्रिज इसको कहिए, जो भी कहिए, हमारे नाक का ब्रिज है ये। और साइनस माने इधर अगर कहीं फूल गया है, कहीं कोई मार दिया है, कहीं कहीं चोट हो गया, यहाँ पर ये जो साइड है उसको साइनस बोलते हैं। बहुत खतरनाक, आपके सांस लेने में बाधा होती है, नाक, है ना, नाक से संबंधित जितने भी प्रॉब्लम होने वाले हैं इससे होता है। और म्यूकस माने अंदर का माल, अंदर का मटेरियल, चाहे वो लिक्विड हो, चाहे वो टाइट हो, चाहे वो लूज हो, चाहे जैसा, उसको सबको म्यूकस बोलते हैं, माने एक गंदी चीज, म्यूकस, जैसे वैक्स होता है। तो मित्रों, एक कॉमन शब्द जितना हमारे जीवन में नाक से संबंधित है मेरे ख्याल से, उसका 50-60% मैंने दे दिया है। आपको थोड़ा बहुत डाउट हो अगर तो कमेंट करिएगा, मेरे ख्याल से इतना पर्याप्त है, जितना होगा कल मैं फिर आऊँगा, हो सकता हो इससे रिलेटेड जो बचे कुचे वो लेकर के, नहीं तो नया लेकर के आता हूँ। और हिस्ट्री वाले नाराज़ ना होइएगा, बिल्कुल मैं बहुत जल्दी हिस्ट्री लेके आ रहा हूँ, इस छुट्टी में, इस कोरोना वायरस में, जिस समय पूरी दुनिया भयभीत हुई है, हम लोग क्यों भयभीत हो, मरेंगे तो मरेंगे, सुरक्षा कर रहे हैं अपनी, हाँ यहाँ पर खोता लगा के, यहाँ पर क्या नाम है, मास्क लगा के नहीं पढ़ा सकता, इसलिए नॉर्मल पढ़ा रहा हूँ, लेकिन बचने का पूरा प्रयास करता हूँ। हमारे प्रधानमंत्री जी गिड़ा सकते हैं, हमारा पूरा विश्व गिड़ा सकता है, तो हम थोड़ी सुरक्षा क्यों नहीं कर सकते। फिलहाल इतनी चीज़ें हैं, आप लोग इसको रट लीजिएगा, उसके बाद इसका जब प्रयोग पढ़ाऊंगा एडवांस इंग्लिश में, सिर्फ ट्रांसलेशन की बातें होंगी, वर्ड मीनिंग ट्रांसलेशन, नो टेंसेस, नो रूल्स, रूल्स थोड़ा बहुत होगा, लेकिन हम लोग एक से एक ट्रांसलेशन बनाएंगे। मित्रों कैसा लगा बताइएगा, मैंने काफ़ी शार्ट वीडियो जल्दी जल्दी पढ़ाने का प्रयास किया, कि मेरे चूँकि हिस्ट्री की वीडियोज़ भले बड़े हो जाए जीके के, लेकिन इंग्लिश के वीडियो छोटा रहे तो ठीक है, आपके पास शायद उतना धैर्य नहीं है। बताना जरूर कमेंट में कैसा लगा। नमस्कार।